तंबाकू निषेध दिवस पर रैली निकालकर आम जनमानस को किया गया जागरूक, केएमसी द्वारा रैली का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। केएमसी अस्पताल ने 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाए जाने के उपलक्ष्य में जन जागरूकता रैली निकालकर तंबाकू निषेध का संदेश जन जन को दिया। जन जागरूकता रैली को अस्पताल केएमसी के सीईओ डॉक्टर एस एम रफी, आईटीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गौतम, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भानुप्रिया ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जिला मुख्यालय से रवाना किया। रैली में तंबाकू निषेध पर छात्र छात्राओं ने तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद की, जन आम जनमानस को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत किया तथा साथ ही साथ तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम पर विशेष जोर दिया गया। रैली जिला मुख्यालय से प्रारंभ होकर शक्षेना चौराहे से होते हुए मऊ पाकड़ चौराहे तक गई। इसके बाद रैली केएमसी अस्पताल पहुंचकर वहां पहुंचने के बाद एक गोष्ठी के आयोजन में बदल गई। गोष्ठी में कैंसर रोग सर्जन डॉक्टर अविनाश रेड्डी ने बताया कि आजकल मुख्य कैंसर प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू सेवन है। तंबाकू सेवन का लत जितना लोगों को मजेदार लगता है उतना ही जानलेवा होता है। साथ ही एक बार कैंसर हो जाने की पर आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती ही है, साथ साथ बाल बच्चे तक अनाथ हो जाते हैं। यही प्रधानाचार्य आईडीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गौतम ने आयुर्वेदिक सिद्धांत पर नशा मुक्ति के उपाय भी बताए। इस कार्यक्रम में सहयोगी संस्था स्माइल हेल्थ के सहयोग विकास स्वरूप ने कहा कि यदि आम जनमानस तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध के प्रति जागरूक हो जाए तो भारत को तंबाकू मुक्त किया जा सकता है। इस अवसर पर अस्पताल के सीईओ डॉक्टर एस एम रफीक ने मरीजों को भी तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित किया। गोष्ठी में मुख्य कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह चंदेल ने भी मुख्य कैंसर के प्रकार बताते हुए इसे जानलेवा होने का कारण भी बताया। सभा में डॉक्टर देव, जीतू मेजावल, डॉक्टर भानुप्रिया, अजीत, डॉक्टर धनंजय इत्यादि लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। रैली में केएमसी नर्सिंग के छात्राओं एवं आईटीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विनोद चौहान, अनुप्रिया चौहान, अजीत श्रीवास्तव एवं पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे। विश्व तंबाकू दिवस पर इस तरह का आयोजन के पीछे का उद्देश्य आम जनमानस को तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी देना तथा इससे होने वाले नुकसानों के बारे में बताना था। इस कार्यक्रम के बाद लोगों में जन जागरूकता के लिए सबने अपील की और साथ ही यह निवेदन किया कि जितना हो सके तंबाकू के सेवन से अपने और अपने सहयोगियों को दूर रखें। आपके जान पहचान में अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करें। टीम जनमंच खबर, महाराजगंज।